जय हिंद दोस्तों, टेक्नो पोवा 5 Pro 5G ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया इंडिया के अंदर एंड इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है इंडिया के अंदर। ये हाइप किसने बनाई है? ये हाइप बनाई है भैया कंपनी ने और यूट्यूबर्स ने। कैसे? अब कुछ यूट्यूबर ये कह चुके हैं कि हम कोलैब कर रहे हैं टेक्नो के साथ पोवा का, पोवा 5 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ। यानी हिसाब से बात है भैया कि कंपनी ने फ्री में स्मार्टफोन यूनिट भेजा यूट्यूबर्स को एंड साथ में अकाउंट में पैसा भी, क्योंकि आप तारीफ करो भर भर के और लोगों का काटो जितना काट सकते हो और हमारा स्मार्टफोन सेल करवाओ। एंड यही हो रहा है। जितनी भी आपने वीडियोस अभी तक देखे होंगे पोवा 5 Pro 5G के, तो सभी में पॉजिटिव बोला, नेगेटिव किसी ने भी नहीं बोला। एंड रीजन यही है कि भैया अंधा पैसा फेंका गया है। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाई क्या बुराई, और लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कट एंड क्लियर। सो गाइस बात करें इस स्मार्टफोन के अंदर कमियों की, क्या कमी हमें देखने को मिलती है। सो उसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। अब क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है वो मैं आप सभी को इस स्मार्टफोन के अंदर बता देता हूं। तो हमें यहां पे देखने को मिलता है 68 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है 5000 mAh बैटरी के साथ। ये काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड उसी के साथ हमें यहां पे जो बैकग्राउंड है नथिंग वाला कॉपी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि नथिंग फोन 1 के अंदर 2 के अंदर है। पीछे की तरफ RGB लाइट वगैरह, तो वही चीजें हम यहां पे देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा यूनिक देखने को लगता है। ये दो चीजें इस स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छी है। एंड उसी के साथ हमें यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज भी काफी अच्छे देखने को मिलती है। प्राइसिंग के हिसाब से 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज हमें देखने को मिलती है 15,000 रुपए के अंदर। अब क्या इस स्मार्टफोन के अंदर हमें अच्छा नहीं देखने को मिलता उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल, बिकॉज 15,000 रुपए के अंदर काफी अच्छा कैमरा सेटअप हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। बट इस स्मार्टफोन के अंदर डुअल कैमरा है, कहने को डुअल कैमरा है, बिकॉज 50 MP प्लस 2 MP AI, तो काम एक ही यहाँ पे करने वाला है 50 MP, तो वो भी कोई काम का कैमरा नहीं है। तो फ्रंट पे हमें यहाँ पे 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। सो फ्रंट पे भी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है और ना ही बैक की तरफ हमें कैमरा की कोई अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। 15,000 रुपए के अंदर अगर आप एक अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन देख रहे हो तो इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मत लेना। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग, अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी गेमिंग के लिए स्मार्टफोन देख रहे हो तो इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती, ना ही गेमिंग लेवल इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। 15,000 रुपए के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाले काफी अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे MediaTek Dimensity 6080 वाला चिपसेट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, 4 लाख से ज्यादा अंततः स्कोर आता है। बट इस स्मार्टफोन के अंदर ये चिपसेट इतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया है। 6nm बेस्ड चिपसेट है, अगर आप के चलो तो कोलकम स्नैपड्रैगन 695 के कंपैरिजन में कुछ वही देखने को मिलता है हमें, सेम साइज चिपसेट है। बट इस स्मार्टफोन के अंदर इतना ऑप्टिमाइज ये चिपसेट नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल नहीं अच्छी देखने को मिलेगी, लैग करेगा। एप्लीकेशंस को जब आप ओपन करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे या फिर गेमिंग करोगे, तो आपको यहां पे लैग का इशू देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एड और ब्लॉटवेयर भी देखने को मिलने वाले हैं, भर भर के स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं गाइस। सो ये भी एक कमी है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो भैया एंड्रॉइड 13 के साथ आता है एंड यहां पे कोई भी अपडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कितने अपडेट देखने को मिलने वाले। 15,000 रुपए के अंदर कम से कम 2 या 3 अपडेट तो देखने को मिलने चाहिए, बट यहां पे मुझे लगता है कि टेक्नो सिर्फ एक ही अपडेट देने वाला है, एक ही साल का अपडेट देगा, यानी आपको यहां पे एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। वैसे भी एंड्रॉइड 13 का जो टाइम जा चुका है, 14 का टाइम आ चुका है, बट फिर भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ एक अपडेट देखने को मिलेगा, तो अपडेट के मामले में भी ये स्मार्टफोन बेकार है। कहते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, यस गाइस, इस स्मार्टफोन के अंदर हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। 15,000 रुपए के अंदर आज के टाइम के ऊपर कोई भी ब्रांड ये डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहां पे आपको लोअर ब्राइटनेस लेवल देखने को मिला है, तो आउटडोर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आप कंटेंट वॉचिंग या आप किसी और पर्पज स्टडी वगैरह पर्पज के लिए ले रहे हो, तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बिकॉज यहां पे डिस्प्ले का जो कलर या ब्राइटनेस लेवल इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है इस स्मार्टफोन के अंदर। यह स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है, सो आपको यहां पे 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, 4G प्लस भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। 210 ग्राम वेट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सभी के सभी सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट ये इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। हमें मैटर क्या करता है सबसे ज्यादा, 5G, वो भैया चिपसेट के साथ डिपेंडेंट करता है कि चिपसेट आ रहा है तो 5G है तो 5G, 4G है तो 4G, तो ये चीज कॉमन है। बाकी हमें यहां पे करता है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, कैमरा कैसा होगा, तो वो दोनों चीजें स्मार्टफोन के अंदर आपको नहीं देखने
देखने को मिलती हैं। एंड इसी के साथ ये स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बेकार हो जाता है। 15,000 रुपये के अंदर आपको अनदर किसी भी ब्रांड की तरफ आप जा सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के। इस स्मार्टफोन के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर आप 15,000 रुपये वेस्ट मत करना गाइस, यूट्यूबर के झांसे में मत आना बिल्कुल भी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। गाइस मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।